मदद करते विषय में स्नाच का दर्जा दे देंगे तो ये काम जो है 2 साल ऐसा में लोग जो है कर लेंगे। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, यूपीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद करते विषय में स्नाच का दर्जा दे देंगे तो ये काम जो है 2 साल ऐसा में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सके। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, यूपीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया वो, जहां तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएं। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते अपने खुद के खर्च पर वो हम लोग करते रहेंगे।